Everyone, here we are going to talk about what are cold-blooded animals and what are warm-blooded animals. Cold-blooded animals होते हैं, उन्हें हम poikilotherms भी बोलते हैं, ठीक है? और इनका जो body temperature है, वो constant नहीं रहता है, जैसे जैसे environment change होगा, इनका body temperature भी उस हिसाब से change होएगा, जिसके कारण कि इन्हें survive करने में, उस environmental condition में survive करने में struggle face करना पड़ता है, ठीक है? तो ये अपना temperature with the changing environment नहीं maintain कर पाते हैं, ठीक है? तो इनमें जो हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं इनमें आते हैं फिशेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल दीज आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विच इज आल्सो नोन एज होमियोथर्म्स या फिर इसको हम होमियोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं ठीक है तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है और ये अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर देते हैं और विद द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है ठीक है तो इनकी एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मैमल्स